आज जब हम महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो नर नारी समानता की बात करते थे उनके कोट याद आते हैं। और उनका मैं पहला कोट पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले जाए। ये किसके विचार हो सकते हैं? इस समाज में अगर हम इतना सम्मान दे दें और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें तो हमारे समाज और देश की तरक्की और दुनिया में पहचान में आ जाएगी। न केवल उन्होंने ये कहा बल्कि एक जगह में उनकी दूसरी बात को कोट करता हूं, क्या इस देश की औरतों के लिए आदर्श सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं क्योंकि वो पति के प्रति पूरी समर्पित है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वहीं कहा कि इस देश की औरतों के लिए अगर आदर्श कोई हो सकता है तो वो द्रौपदी है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं जहां महिलाओं के बारे में आपने सोच विचार करके इस सदन को बुला करके एक दिन का मौका दिया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे।